पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव धोखाधड़ी के मामले में पत्नी व बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खान से भेंट करने लखनऊ से सीतापुर पहुंचे। इस दौरान अखिलेष यादव ने कहा कि आजम खान राजनीति षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, दंगा ही भाजपा का गुजरात मॉडल है। बताया जा रहा है कि अखिलेष यादव के साथ 9 लोगों को जेल के अंदर आजम खान से भेंट करने की अनुमति दी गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को न्यायालय से इंसाफ मिलेगा, ये तो सभी को दिख रहा है कि आजम खान के खिलाफ ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उनको जेल में रहना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी के मामले में भाजपा का षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है जब से भाजपा की सरकार बनी है आजम खान पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, उनको साजिश के तहत फंसाया गया है। भाजपा के नेता ने शिकायत की, उनका कहना था कि क्या जिसने शिकायत की है वो भाजपा का नहीं है। सरकार पर निशाना साधते हुए बोले कि किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी से क्या उम्मीद करेंगे आप। सीतापुर जेल में शिफ्टिंग को अखिलेश यादव ने सरकार का फैसला बताया है और चुटकी लेते हुए कहा कि हमें रामपुर नहीं जाना पड़ा, सीतापुर नजदीक है तो यहीं आ गए। अखिलेश ने कहा जो राष्ट्र के नाम पर वोट लेकर आए थे आज हमें राष्ट्र उन्हीं से बचाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाना और देश में आग लगाना ही गुजरात मॉडल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही निशाने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब को लिया उन्होंने। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहा है और ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसके तहत उन्हें आज जेल में रहना पड़ रहा है। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के साजिश और षड्यंत्र किया है, लेकिन इस तरीके से राजनीति में किसी से बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे आप। इसे लगातार भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है उन पर तमाम मुकदमे लगे हैं और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। 8 मामलों में जमानत मिली है अभी उनको। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में न्यायालय उनकी मदद करेगा। दिल्ली में हिंसा पर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार दिल्ली के दंगे नहीं रोक सकी, भारतीय जनता पार्टी तो समाज को बांटकर राजनीति करती है। सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा जब सदन में मुख्यमंत्री की भाषा को मर्यादित नहीं किया जा सकता तो बाहर हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे। सांसद आजम खान को रामपुर सीतापुर जेल में गुरुवार को शिफ्ट करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ से सीतापुर जिला कारागार पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ एमएलसी आनंद भदौरिया, विधायक महमूदाबाद नरेंद्र वर्मा व पूर्व विधायक अनुप गुप्ता तथा राधेश्याम जायसवाल सहित कई जनप्रतिनिधि भी हैं। अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में जाकर रामपुर के सपा सांसद आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी व सपा विधायक तंजीन फातिमा से मुलाकात की। आजम खां के साथ बुधवार को उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी सपा विधायक तंजीन फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल भेज दिया गया। यूपी ब्लॉक के लिए रियाज।